हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, चैप्टर 4, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वेदास होते हैं इंडिया में और कौन कौन से, उसको आपको बताना है। तो वेदास का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेदास चार तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना एंशियंट वर्क माना गया है इंडियन लिटरेचर का। इसमें 1028 वर्सेस हैं। वर्सेस मतलब एक तरह के सॉन्ग्स या पोएम्स कह सकते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत काम है जिसको 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ज़्यादातर जो वर्सेस हैं ये गॉड से रिलेटेड प्रेयर्स हैं। इनको तब किया जाता है इस्तेमाल जब यज्ञ होते हैं। वर्सेस में जो खास तौर से उषा को वर्शिप करने वाले हैं, जो कि गॉडेस डॉन की मानी जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं। इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर आर्यंस के, जो उस टाइम पे सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। तो ये है आपका ऋग्वेद। अब है सामवेद। सामवेद जो है, जैसे ऋग्वेद कंपोज किया, इसके बाद तीन और वेद जो हैं वो भी कंपोज किए गए। तो उसमें से एक है सामवेद। सामवेद का मेन पर्पस क्या था कि उनको फोकस करना था कि ये जो वर्सेस हैं इनको कैसे रिसाइट किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उस पर फोकस करने के लिए सामवेद जो है कंपोज किया गया। इसीलिए इसको जो है गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेनली उस वर्सेस को गाया कैसे जाए उसके बारे में बताया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वेदा माना गया है यज्ञों का। इस ये जो है दोनों फॉर्म्स में है, प्रोस में भी और वर्स में भी। इसमें बताया गया है जो भजन जिस टाइम जो यज्ञों के टाइम पर रिसाइट किए जाते हैं, हाइम्स जिन्हें कहते हैं, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टाइम पर, रिचुअल्स टाइम के टाइम पर जो हाइम्स को हम रिसाइट करते हैं, उनके लिए जो है ये यजुर्वेद है। और अथर्ववेद मेनली बताता है कितने तरीके के रिचुअल्स और संस्कार होते हैं, इसलिए अथर्ववेद कंपोज किया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि कितने वेद होते हैं, कौन कौन से हैं और वेद होते क्या हैं। ये आपका इसमें पूरा आंसर आ गया। क्वेश्चन वन का पार्ट टू जो है वो है कि राइट अ नोट ऑन तक्षशिला विद्यापीठ। अब आपको तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में बताना है, जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला की। ये लोकेटेड है रावलपिंडी में, जो आज की डेट का प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहाँ पर लोकेटेड है। ये कैपिटल सिटी थी जो पहले का गंधार रीजन रहा, उसकी ये कैपिटल थी। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 64 सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दी जाती थी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो आश्रम में रहते थे, ताकि गुरु के साथ जो है सीख सके, प्रैक्टिस कर सके। तो मेन पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि तक्षशिला जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, रावलपिंडी में, पाकिस्तान के, एक पॉइंट ये हो सकता है। कैपिटल सिटी थी गंधार रीजन की, दूसरा पॉइंट। 64 सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दी जाती थी, तीसरा पॉइंट। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे गुरु के साथ। तो चौथा पॉइंट की जगह आप इन तीनों पॉइंट्स को एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकती हैं। जीवक जो कि डिसाइपल थे लॉर्ड बुद्धा के, उन्होंने यहीं पर रहकर आयुर्वेदा के जो लेसन होते हैं उनको सीखा। एक मान्यता के अनुसार ये यूनिवर्सिटी का जो नाम रखा गया है ये तक्ष के नाम पर रखा गया है। तक्ष भरत के लड़के थे, भरत जो लॉर्ड राम के भाई थे और रघुकुल में बॉर्न हुए थे। तो एक पॉइंट ये भी है। ये बहुत ज़्यादा जानवर माना एजुकेशन सेंटर है 7th century का। स्टूडेंट्स पूरी तरह से फ्री थे, अपना जो भी सब्जेक्ट वो इंटरेस्ट का हो उसे पढ़ सकते हैं। कहने को सिर्फ 20 स्टूडेंट्स पर टीचर अलाउड थे, लेकिन यहाँ पर उनसे ज़्यादा को पढ़ाया जाता था। और भी दूर दूर से शहरों से, जैसे वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है इस यूनिवर्सिटी में आते थे। अब इसी तरह से प्रिंस जो वाराणसी के थे, प्रसन्नजीत के थे, किंग कौशल के थे, सबने यहाँ पढ़ाई की है। जो ग्रेट ग्रामेरियन थे पाणिनि, या जो एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य थे, ये भी इसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड हैं। तक्षशिला बेस्ट सेंटर माना जाता है हायर एजुकेशन का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो रहते थे गुरु के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है एजुकेशन वेदास की, मिलिट्री साइंस की, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलॉसफी, वॉर लॉर्ड यानी कमांडरिंग की,
एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो है यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं वो मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने भी यही पढ़ाई करी। और जो चाइनीज स्कॉलर थे फाहियन, उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था जब बिगनिंग थी 5th सेंचुरी की। तो ये काफ़ी एक तरह से डिटेल में दिया गया है तक्षशिला के बारे में। आप चाहें तो इसमें मेन मेन पॉइंट्स को नोट करके लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर इनको आप देना चाहें तो दें, नहीं तो मेन पॉइंट्स यही है कि कहाँ लोकेटेड है, कैपिटल सिटी किसकी थी, क्या क्या पढ़ाया जाता है, किसके नाम पर रखा गया है, और कहाँ कहाँ से लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे, और सेकेंडली किस किस तरीके की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। बाकी आप चाहें तो इनके स्कॉलर्स के जो यहाँ पे पास आउट है उनके भी नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है डिस्क्राइब मिडिवल लिटरेचर। अब आपको मिडिवल लिटरेचर के बारे में बताना है। आपकी बुक में मिडिवल लिटरेचर जो है ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं आप उनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ी जाए। तो शुरू करते हैं कि जो शुरुआत थी मिडिवल एज की नॉर्थ इंडिया में, मेनली उस टाइम पे क्या था, लैंग्वेज जो लिटरेचर की थी वो थी संस्कृत। तो जितने भी महान कार्य हुए वो ज़्यादातर संस्कृत में हुए। इस टाइम पे जो दो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो थे कश्मीर में लिखे गए सोमदेव की कथा सरित सागर और कल्हाना की राजतरंगिणी। ये दोनों पहले हिस्टोरिकल बुक्स मानी जाती हैं इंडिया की। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स है संस्कृत लिटरेचर में। अब ब्राउन टाइप की जो लैंग्वेजेस थी अब वो भी डेवलप कर रही थी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में। सबसे जो शुरुआत का अर्लीस्ट वर्क माना जाता है अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी का, वो था पृथ्वीराज रासो की चंद वरदाई के द्वारा। ये वो काम था जिसमें हिंदी लिटरेचर ने डील करना शुरू किया था जो भी हीरोइक ट्रीप्स थी पृथ्वीराज चौहान की, उससे संस्कृत लिटरेचर जो था उसने अब अपने एक तरह से कदम बढ़ा लिए थे साउथ इंडिया की तरफ भी। जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था कन्नड़ लिटरेचर से। जो पोएट थे पंपा, उन्होंने कंपोज करा आदि पुराण और विजय विक्रमार्जुन विजयंत। पोन्ना जो पोएट थे उन्होंने लिखी शांति पुराण, जिसमें उन्होंने जो 16 जैन तीर्थंकर थे उनकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया। पोएट रन जो थे उन्होंने दो बुक्स लिखी, एक थी अजितनाथ पुराण और गदा युद्ध। तो ये जो तीनों पोएट्स थे पंपा पोन्ना और राना, इनको बोला जाता है ट्रायो अर्ली कर्नल लिटरेचर का। पोएट कंबन जो थे उन्होंने कंपोज करी रामायण तमिल लैंग्वेज के अंदर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तमिल लैंग्वेज में जो है लिटरेरी वर्क्स लिखे गए। तो ये जो है आप यहाँ पर ये सारे जो पोएट्स हैं इनको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो इंडियन लैंग्वेज का था या कंपोजिशन का, उसको प्रमोशन ज़्यादा मिला दिल्ली सल्तनत में। दो फॉर्म्स थी दिल्ली लैंग्वेज की, एक थी खड़ी बोली और दूसरी थी ब्रिज भाषा, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था लिटरेचर को लिखने के लिए। बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स जो हैं वो कंपोज किए गए लैंग्वेजेस में। कई सारी हीरोइक पोएम्स स्टोरीज उनको कंपोज किया गया राजस्थानी लैंग्वेज में, जो कि काफ़ी सिमिलर होती है हिंदी और गुजराती से। इसी तरह से जो हीरोइक वर्क्स थे आला उधल के या विसल राव विसल देव रासो के, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पर। एक बुक थी जिसका नाम था चंद्रायन, इसको लिखा था मुल्ला दाऊद ने, और ये ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है अवधी लैंग्वेज की। यहाँ तक कि जो एक बहुत ही आलोचनात्मक तौर पे तारीफ करी जाती थी पुरानी बुक्स की, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी हुई है। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की। बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स जो है वो हमें इंडियन लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस भी इस टाइम पे हुए। जो एक डिस्क्रिप्शन है इंडियन हिस्ट्री का तुर्किश राइटर के थ्रू पर्शियन लैंग्वेज में, वो हमें बहुत प्रॉपरली देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो तुर्किश राइटर थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन दिया इंडियन हिस्ट्री का। जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने लिखी तारीख ए फिरोज शाही, जो हमें डिटेल अकाउंट देती है जो खिलजी का शासन था तब की और तुगलक किंग्स की। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पर भी बुक लिखी जिसे कहते हैं फतवाए जहांगीरी। सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर जो इस पीरियड का माना जाता है वो थे अमीर खुसरो। ये पोएट थे, हिस्टोरियन थे, एक रहस्यमयी सेंट थे और कंपोजर थे म्यूजिक के। ये डिसाइपल थे निजामुद्दीन औलिया के। इन्होंने लिखी आशिका ना सिफर किरातुल सदायन खैजान उल फुतुह और कई सारी बुक्स पोएट्री की। ये अपने आप को इंडियन होने के नाते काफ़ी गर्व महसूस करते थे और इंडिया को प्रेज करते थे अर्थली पैराडाइज, मतलब एक धरती पर जन्नत है। इन्होंने इंडिया के जो
पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं उनकी, साथ में उनकी जो खूबसूरती है, बिल्डिंग्स हैं, नॉलेज है, लर्निंग है, सबकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी। ये मानते थे कि कहीं इसमें अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो एसेंस है हिंदुज़्म का वो इस्लाम को रिजेंबल करता है। हिंदावली जो कि हिंदी बोली जाती थी रीजन के अराउंड दिल्ली के, उनकी मदर टंग थी और इसी वजह से उन्होंने जो है इसमें कई सारे वर्सेस को लिखा। इन्होंने कई सारे वर्सेस जो है अलग अलग लैंग्वेज में कंपोज किए, बाइलिंगुअल क्वाट्रेंस और वर्सेस हिंदी और पर्शियन में लिख के, और इनके बाद से एक तरह से ये चलन स्टार्ट हो गया था। रीजनल किंग्स जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया रीजनल लैंग्वेजेस को और लिटरेचर को। अब जैसे भक्ति सेंट्स थे, उन्होंने आम भाषा जो पब्लिक की है उसमें पिच किया। कबीर सबसे बड़े पोएट थे, भोजपुरी और अवधी मेजर डायलैक्ट्स माने जाते थे उस टाइम के। कबीर के जो वर्क हैं वो मेनली साधु खड़ी में थे। कबीर के दोहा, लोकल एक जो हम लोग बोलते हैं कहानियाँ, कथाएँ, किस्से, उसमें जो है कबीर के दोहे जो है वो उसका हिस्सा बन गए थे। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी अवधी में, इसी तरह से रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई अवधी में। हिंदी लैंग्वेज के अलावा जो लिटरेचर था वो और लैंग्वेजेस में भी डेवलप हुआ। बंगाली में रामायण जो है वो कृतवासा ने लिखी और बहुत सारे सैकड़ों लिरिक्स जो हैं वो करे गए फेमस पोएट चंडीदास के द्वारा। जो चैतन्य सेंट थे उसमें जो है ट्रेडिशनल एक डिवोशनल सॉन्ग्स की राइटिंग का शुरू हुआ। नरसिंह मेहता, उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे गुजराती में। नामदेव और जो सेंट एक नाथ थे उन्होंने मराठी में लिखे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए कश्मीर में जैनुलब्दीन जो थे उनके अंडर, और उनकी सपोर्ट से कई सारे संस्कृत वर्क्स जैसे कि महाभारत है, राजतरंगिणी है, इनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। जो किंग थे विजयनगर के, इनके शासन के दौरान संस्कृत लिटरेचर काफ़ी डेवलप हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है ग्रोथ के लिए तेलुगु लिटरेचर की। राजा कृष्णदेव राय खुद जो एक बहुत महान राजा थे विजयनगर के, वो तेलुगु और संस्कृत राइटर भी थे। उन्होंने लिखी अमुक्त मलयाल। आर्ट और लिटरेचर में जैसे मुगल पीरियड ने जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से डेवलपमेंट कराया, उसी तरह से लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। बाबर जो कि पहले मुगल रूलर थे वो पाइनियर माने जाते हैं तुर्किश पोइट्री के, और ऑथर बहुत ही वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबर की तुर्किश में, जो कि बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट हुई थी और उसका नाम दिया गया था बाबरनामा। गुलबदन बेगम जो कि सिस्टर थी एम्परर हुमायूं की, उन्होंने लिखी हुमायूं नामा। जहांगीर ने अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक ए जहांगीरी। औरंगजेब भी बहुत बड़े राइटर थे, और लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एक बहुत ही महान उर्दू पोएट थे। हिंदी लिटरेचर ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी अकबर के शासन के दौरान। तुलसीदास और तूरदास ने भी इसी पीरियड में लिखा। जो महान पोएट थे केशव दास, उन्होंने लिखा लव और सेपरेशन पे। रहीम के दोहे जो है वो आज भी पॉपुलर हैं ऑल ओवर इंडिया। तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई। अबुल फजल ने लिखी आने अकबरी और अकबरनामा। आने अकबरी हमें देती है डिटेल्स इंडियन कस्टम्स के, मैनर्स, रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक कंडीशन और हर पहलू जो हमारी ज़िंदगी का है उसके। हिस्टोरिकल वर्क होने के नाते इसका काम जो है किसी के साथ जैसे कहते हैं ना अनपैरल्ड है, कोई इसकी मतलब मेल नहीं है। अबुल फजल के जो भाई थे फैजी, वो एक बहुत बड़े पर्शियन पोएट थे। उन्होंने कई सारे ट्रांसलेट किए संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में। अकबर ने जो है एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया था ट्रांसलेशन संस्कृत वर्क के लिए, जैसे महाभारत और रामायण, अथर्वेद, भगवद गीता और पंचतंत्र का। सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मिडिल लैंग्वेज पीरियड में हुआ वो था बर्थ उर्दू लैंग्वेज का। ये जो नई लैंग्वेज थी ये डेवलप हो गई, रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से एक हो गई। इसने कई सारे महान पोएट्स को दिया जैसे वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नज़ीर, अकबर आबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल और कई सारे। उर्दू प्रोज जो है वो भी डेवलप हुआ शुरुआत में 18 सेंचुरी के, जब ट्रांसलेशन हो रहा था ज़्यादातर हिस्टोरिकल वर्क्स का संस्कृत से उर्दू में जो है उसकी शुरुआत हो गई। जो ओरिजिनल प्रोस वर्क था उर्दू के अंदर वो भी लिखा जाने लग गया इसी टाइम पे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबारे अकबरी बेस्ट वर्क माना जाता है उर्दू लैंग्वेज का। तो ये जो मिडिवल लिटरेचर है इसमें मेनली आपको उन सारे लोगों ने जो जो इस टाइम पर हुए उन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में बताया गया। तो आप इसको जो है कट शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वल्लभी विद्यापीठ।
ये पॉइंट वाइज आंसर्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले वल्लभी के बारे में क्या बताया कि ये यूनिवर्सिटी गुजरात की है, बहुत ज़्यादा फेमस था सेंटर ऑफ एजुकेशन के तौर पर 7th सेंचुरी में। यहाँ पर जो उस टाइम के रूलर रहे थे वंश डायनेस्टी के, या जो उस टाइम के लोग रहे होंगे, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है वल्लभी को एक रिनोड और ह्यूज सेंटर बनाने में एजुकेशन का। वल्लभी मतलब विद्याधाम, ये जो है सेंटर था हिनायाना कल्ट का। उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट रिलीजन थे उनका हिनायाना कल्ट जो था उसका वल्लभी सेंटर था। मिडिल में 7th सेंचुरी के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि स्थिरमति और गुणमति, ये लीडिंग प्रिंसिपल्स थे वल्लभी के। स्टूडेंट्स दूर दूर से एरिया से गंगा यमुना के यहाँ आते थे हायर स्टडीज़ के लिए। चाइनीज ट्रेवल पिलर्स जो हैं वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया, नोट किया कि जो फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा है वो लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। वल्लभी जो है वो कैपिटल थी और इंटरनेशनल पोर्ट माना गया 480 AD से 775 AD तक। जो रूलर थे वल्लभी के वो बिलोंग करते थे मैत्रक डायनेस्टी को और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को भी। जो रॉयल लोग थे मैत्रक डायनेस्टी के वो बुद्धिस्ट नहीं थे और उन्होंने इंस्टीट्यूशन की मदद करी थी। 775 में अरेबियंस ने अटैक किया, मैत्रक्स हार गए और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। अब जो नेम है फेमस स्कॉलर्स के वो उनके गेट पर लिखे हुए हैं। नॉलेज वर्शिप और एक खास तरह का सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसी के कारण ये यूनिवर्सिटी फेमस थी खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उस समय स्टूडेंट्स इंडिया और बाहर से आते थे एजुकेशन रिसीव करने के लिए इस यूनिवर्सिटी से। तो ये एक तरह से सही मायने में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। सारी ब्रांचेस जो नॉलेज की है वो यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। मेंटेनेंस यूनिवर्सिटी की होती थी चैरिटी के माध्यम से, जो कि लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स और किंग्स के द्वारा दी जाती थी। इससे क्या होता है, एक लॉयल्टी जो लोगों की है यूनिवर्सिटी के प्रति वो पता चलती है। साथ ही साथ ये वर्ल्ड रिनोन यूनिवर्सिटी थी इंडियन एजुकेशन की, आर्ट और साइंस की नॉलेज की। तो यह है आपका आंसर वल्लभी। क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। अब आपको नालंदा विद्यापीठ के बारे में बताना है। ये भी एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ये सिचुएटेड है बड़ा गांव या बाद गांव जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का बिहार में, वहां पर जो है ये सिचुएटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी जा रही थी वो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस को दी जा रही थी। ये साथ ही साथ पिलग्रिमेज भी था जैन्स का, क्योंकि जो महावीर स्वामी है उन्होंने यहाँ पे 14 चतुर्मास किए थे, इसलिए जो है ये जैन्स के लिए भी एक पिलग्रिमेज सेंटर भी था। 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता जो है उन्होंने यहाँ पर एक मठ बनवाया और इसी से जो है जो फेमस थी, फेम कहना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हज़ारों की संख्या में जो मतलब बेशकीमती हम ट्रेजर मान सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो यहाँ पर है। ये एक पायस प्लेस थी इंडियन कल्चर की। स्टूडेंट्स पायस का मतलब होता है बहुत ही प्योर प्लेस मानी जाती थी इंडियन कल्चर की। जो स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग हिस्सों से दुनिया के यहाँ आते थे और स्टडी करते थे। जो ह्यून सैंग चाइनीज ट्रैवलर थे वो भी यहाँ आए। अब सिर्फ अवशेष बचे इस महान यूनिवर्सिटी के, पर इन सब के बीच हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा इंडिया का कल्चर कितना ग्लोरियस था। जो स्टूडेंट पास आउट होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी से वो आइडियल स्टूडेंट माने जाते थे इंडिया के। 5th से लेके 11th सेंचुरी तक एजुकेशन सबसे बेस्ट थी नालंदा के अंदर, और शायद इंडिया में उस समय की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी थी पूरी दुनिया की जो यहाँ मौजूद थी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स इंडिया के थे या अब्रॉड होते थे वो आकर यहाँ पर स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे लाइब्रेरी में तक्षशिला की और नालंदा यूनिवर्सिटी की। क्वीन सैंग ने 657 बुक्स ले गए चाइना के लिए। क्वीन सैंग ने 7th सेंचुरी में विजिट किया, तब उस टाइम पे यहाँ 7 बड़े बड़े हॉल्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर, 300 रूम थे लेक्चर्स देने के लिए, खास मोनेस्ट्रीज थी जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते थे, बहुत सारे गांव डोनेट किए गए यूनिवर्सिटी के सस्टेनेंस के लिए, फूड और क्लोथिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट और उस अर्निंग से जो कि उन गांव से ऑब्टेन होती थी। इसकी जो बुक रिपोजिटरी थी यानी लाइब्रेरी जो थी, लाइब्रेरी एरिया जो था वो बोला जाता था धर्मगंज। 5th से लेके 11th सेंचुरी BC तक नालंदा की जो रेपुटेशन थी वो एक बहुत ज़्यादा थी और इसे एक बहुत ही रिनोन सेंटर माना जाता था एजुकेशन का। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देनी है आपको नालंदा विद्यापीठ के बारे में। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो वल्लभी विद्यापीठ है
या उससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें वल्लभी विद्यापीठ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट, राइट अ नोट ऑन यजुर्वेदा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट है, वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन यजुर्वेदा। तो आपको बेसिकली दोनों में जो है शॉर्ट नोट ही लिखना है, क्योंकि ये आंसर से शॉर्ट देने हैं आपको। तो इसमें मेनली आपको ये बताना है कि जो यजुर्वेद है इसका मतलब है कि ये वेद है यज्ञों का। इसको दोनों फॉर्म्स में कंपोज किया गया है, प्रोस और वर्स की फॉर्म में। और ये मेनली बताता है कि जो हाइम्स होती हैं वो कैसे रिसाइट करी जाती हैं यज्ञों के टाइम पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के टाइम पर और रिचुअल्स के टाइम पर। तो ये आप लिख सकते हैं एक शॉर्ट नोट यजुर्वेदा का। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन भी यही है कि ये यज्ञ का वेदा है। इसको दोनों फॉर्म्स में कंपोज किया गया है, प्रोस और वर्स के। ये हमें बताता है कि कैसे यज्ञों के टाइम पे हाइम्स को रिसाइट करते हैं, या रिलीजियस प्रैक्टिस के दौरान, या फिर जो भी हम रिचुअल्स करते हैं उनके दौरान हम कैसे इसको रिसाइट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है, कौन से ऐसे फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो इसका आंसर है कि जो भगवद गीता है ये एक तरह से पार्ट है महाभारत का, जो कि बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही डीप फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को बताती है। ये बताती है जो इसके प्रिंसिपल्स हैं कि मैं अचीव कर सकते हैं हम मोक्ष या सेल्वेशन, मुक्ति या जो सेल्वेशन है उसको हम अचीव कर सकते हैं अपने ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग से। ये जो है मेनली जो है फिलोसफिकल प्रिंसिपल यहाँ पर बताया गया है कि हम अपना जो भी मोक्ष है, मुक्ति है, सेल्वेशन है, उसकी प्राप्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति से कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। डैश इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे एंशियंट बुक है। किस लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है, पाली में। सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज ड्रविडियंस की कौन सी है, तमिल। सबसे फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन जो पोएट चंद्र बरदाई का था हिंदी लिटरेचर में, पृथ्वीराज रासो। और कौन सा लिटरेरी कंपोजिशन है महर्षि पाणिनि का, अष्टाध्यायी। तो ये आपके मेन जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए काम आएगा। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।